गुड मॉर्निंग। डेली जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अलग अलग चीजों से करते हैं। आज जो मेडिटेशन करेंगे वो आनापान और मेडिटेशन साथ में होगा, कि जैसे कि आप कल जैसे हमने मेडिटेशन किया कि उसमें हमने किया कि ऑल लोगों का मेडिटेशन जो था, कल हमने जो मेडिटेशन किया वो मेडिटेशन एक ही इसमें था, आनापान भी एक इसमें था और पॉजिटिव अफर्मेशन भी एक इसमें था। आज जो मेडिटेशन हम करने वाले हैं वो मेडिटेशन सिर्फ मेडिटेशन होने वाला है और उसके बाद विजुअलाइजेशन अलग से करने वाले हैं। तो दोनों चीज करते हैं, आप मेडिटेशन के प्रोसेस में बैठ जाइए। अपनी पीठ की हड्डी सीधी, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए ऐसे जगह पे बैठना है। दोनों हाथ घुटनों पे रखना है। अपनी आंखें बंद, मैं जैसे बोलता हूं उस तरीके से करना है। तीन गहरी सांस लेनी है, नाक से अंदर मुंह से बाहर, और ये महसूस करते हुए सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर, सारा सुख अंदर, सारी परेशानी बाहर, सारा प्रकाश अंदर, सारा अंधकार बाहर। पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे हो, पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे हो। नॉर्मल सांसों के ऊपर लौट जाइए, पूरा ध्यान एक एक सांसों के ऊपर आप रखिए। आपका ध्यान भटकना ना पाए, अगर ध्यान भटकता भी है फिर से सांसों के ऊपर लेके आइए। ध्यान भटकता भी है फिर से अपने सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। नाक से किस तरीके से सांस आती है, किस तरीके से जाती है, पूरा ध्यान आपके आती जाती सांसों पे हो, पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे हो। किस तरीके से श्वास आ रही है, किस तरीके से जा रही है, मन को एकत्रित करें, पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करें। बाहर से कोई आवाज आती है तो उसको उसमें और आनंद ले, अपने मन के अंदर जाने में और भीतर जाने में उसका हेल्प करें। अब अपने एक एक अंगों के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करें, एक एक अंगों के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करें,
सर से लेके पांव तक अपने सर के ऊपर ध्यान दे, अपने चेहरे के ऊपर पूरा ध्यान दे, अपने नाक से आने वाली जो सांसें हैं, ठंडी है गर्म है, पूरा अनुभव करे। अपनी आंखों के ऊपर ध्यान दे, शांत है शिथिल है, कुछ ना कुछ संवेदनाएं जरूर फील होती होंगी खुजली की तरह। कुछ ना कुछ महसूस जरूर होता होगा, ठंडा गरम। अपना चेहरे के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, अपने कानों पे ध्यान दीजिए। कानों पे ध्यान दोगे तो कानों पे कुछ ना कुछ जरूर संवेदनाएं फील होंगी। अपनी गर्दन पे ध्यान दीजिए, दोनों हाथों के कंधों से नीचे होते हुए हर हर अंग पे ध्यान देना है। हृदय पे ध्यान दीजिए, पेट तक ध्यान दीजिए, अपने दोनों हाथों की उंगलियों पे ध्यान दीजिए, कमर पे ध्यान दीजिए, अपने घुटनों से नीचे होते हुए पैरों की उंगली तक एक-एक अंग का सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए। और फिर से पैरों से ऊपर होते हुए अब देखोगे कि मैंने पैरों पे बोला तो पैरों पे आपको संवेदनाएं महसूस हो रही है, पैरों के नीचे ऊपर जहां जहां आप ध्यान लगाओगे वहां वहां आपको संवेदनाएं नजर आएंगी पैरों से ऊपर होते हुए और ऊपर जांघों से कमर के अंतिम बिंदु से ऊपर, हाथों से ऊपर, हृदय से ऊपर, गले से चेहरे तक, सर के मध्य बिंदु तक और ऊपर से नीचे तक। पूरे संवेदना को फील कीजिए, प्रत्येक अंग के शरीर के अंग के ऊपर आप ध्यान लगाते हो तो आपको कुछ ना कुछ संवेदनाएं जरूर महसूस होंगी। पूरा ध्यान अपने हृदय के ऊपर एकत्रित करें। ध्यान को भटकने न दे, शरीर के एक एक अंग के ऊपर ध्यान लगाए। जब आपको ठीक लगे दोनों हाथों को मलते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। जी जब आपको ठीक लगे तब अपने आप आंखें खोल सकते हैं। आ गए सब लोग, ग्रेट। तो ये जो हमने किया ये आनापान का प्रोसेस में था। अब इसके बाद हम इससे क्या होता है, इससे असली मेडिटेशन जो है वो ये है।
और जब हम मन को एकत्रित करते हैं उसके लिए जो मेडिटेशन करते हैं वो अलग है। इसमें आनापान में भी मैंने कुछ और चीजें इन्वॉल्व की। ये परफेक्ट नहीं है गोयनका जी की तरह, लेकिन वो मैंने इसलिए की क्योंकि आपका मन एकत्रित हो। अब हम विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए फिर से आपको आपकी आंखें बंद कर देनी है और फिर से वही ध्यान के प्रोसेस में बैठना। तीन गहरी सांस नाक से अंदर मुंह से बाहर। सामान्य सांसों के ऊपर लौट जाए। पांच बार अपने मन ही मन दोहराए, शांत 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 शांत। इस पल इस वक्त जिन भी शक्तियों को आप मानते हो उनको संदेश भेजिए, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे उच्चतम और सबसे बेहतरीन दिन है। हे परमेश्वर, हे प्रभु, आप और हम एक हैं, हम दोनों में कोई अलगाव नहीं है। मुझे इतना अच्छा जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे जीवन में जितने भी कार्य सोच रहा हूं उसको पूरा कर रहा हूं। मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं। मेरे पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा। मेरे जीवन में मैं हर कुछ सपने पूरे कर रहा हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत शक्तिशाली। मेरे पास पैसे ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। मैंने मेरी ड्रीम कार ले चुका हूँ, मैं ड्रीम कार ले चुका हूँ, ड्रीम कार ले चुका। मैंने मेरा सपनों का घर बना चुका हूँ, घर बना चुका हूँ, घर बना चुका। मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर। मैं जो कार्य सोचता हूँ पूरे करके रखता हूँ, पूरे करके रखता हूँ। मेरे पास बहुत सारे जगहों से पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे जगहों से। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मनी मैग्नेट हूँ, मनी मैग्नेट। मैं निर्भय हूँ, निर्भय हूँ, निर्भय। मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, निर्भय। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली। मैं जो सोचता हूँ पूरा कर रहा हूँ। मेरे पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, मेरे पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, मेरे पास ऊर्जा की कोई कमी। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत शक्तिशाली। मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त। मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। मेरे परिवार में शांति है, शांति है, शांति। मेरे परिवार में शांति है, शांति, शांति। मेरे संबंध हर व्यक्ति से अच्छे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। मेरे संबंध हर व्यक्ति से अच्छे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। मैं शांतिपूर्वक हूँ, शांतिपूर्वक। मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। मैं टाइम के अनुसार मेरे सर्व कार्य करता हूँ। मैं टाइम में मेरे पूरे कार्य करता हूँ, टाइम के साथ चलता हूँ, मैं टाइम के साथ चलता हूँ। मैं जीवन में हर वो चीज पा रहा हूँ, पा रहा हूँ, पा रहा हूँ। मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत पावरफुल। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैंने जो सपने देखे हैं वो पूरे कर रहा हूँ, पूरे कर रहा हूँ। मेरे हर काम में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी।
मेरे हर दिन पैसे में बढ़ोतरी हो रही है, न जाने लेकिन मुझे हर जगह से पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। ये सब होने के लिए परमेश्वर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे जीवन में अभी तक जिन भी व्यक्तियों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया उन सबका धन्यवाद, मेरे परिवार का धन्यवाद, मेरे हर वो एक सदस्य का धन्यवाद। दोनों हाथ हृदय पे लाइए और पूरे पूरे मन तन धन से धन्यवाद व्यक्त कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। पूरे हृदय में सारी सकारात्मक ऊर्जा भर लीजिए, एक लंबी सांस लेके महसूस कीजिए पूरे शरीर में धन्यवाद की एनर्जी बढ़ गई है। जब आपको ठीक लगे तो अपने साथ साथ हाथ घुमा के हाथों को मलते हुए धीरे धीरे से अपने आंखें खोलें। गुड मॉर्निंग, क्या मेडिटेशन कर रहे थे आप सभी लोग? हमारा रूल्स है कि वीडियो ऑन करना है। देखिए मेडिटेशन में बहुत बड़ा पावर है, मैंने आज दो चीजें आपसे करवाई, एक तो मेडिटेशन करवाया और दूसरा विजुअलाइजेशन करवाया, बहुत ही पावरफुल। और आज तो मैंने भी पूरा ध्यान लगा कि आज मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, नहीं तो मैं इंट्रक्शन देते रहता हूँ। आज मैंने जो मैंने अंदर बोलना था वो बाहर बोल दिया और मैंने पूरा ध्यान लगाते हुए उसके साथ बातचीत। तो जो हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, अब आपके मन में सबसे पहले ये दौड़ता है कि ये होगा कि नहीं होगा। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहते हो, आपका माइंड बोलता है ये होगा। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो आपका माइंड बोलता है जब करते समय कहाँ पैसा है, कहाँ पैसा है, कहाँ पैसा है, तो भगवान बोलता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जिन भी शक्ति को आप मानते हो तो आप जो सोचते हो वही आपके पास होता है। आप बोलते हो बहुत पैसा है तो आएगा, और आप बोलते हो कि कहाँ पैसा है तो भगवान बोलता है कहाँ पैसा है। जो हम सोचते हैं वो नेचर हमको देता है। आप सोच के तो देखिए, आप मांगिए तो सही, आप पॉजिटिव अफर्मेशन तो जरूर कीजिए। आज जो भी उम्र है हमारी, किसी की 40, किसी की 30, किसी की 25, किसी की 20, जो भी हमारी उम्र है, अभी तक जो हम है वो क्या नतीजा है? जो अभी तक हम हैं वो हमारे विचारों का ही नतीजा है। जो हमने अभी तक सोचा वही तो हमारे साथ हो रहा है, हमने इसके सिवा क्या छोड़ा? मैंने आपको बोला था कि सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना है, सक्सेस बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो लोगों ने बोला कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे सुबह उठना चाहिए, हर वो तरीके से बताया। मैंने उनको एक सवाल पूछा कि आपको सक्सेस बनने के लिए ऐसी क्या पांच चीजें हैं जो रोक रही है कि आपको पांच चीजें नहीं करनी है। तो पहले तो लोग सोचने पड़ गए, फिर उन्होंने उसका आंसर लिखा अपने बुक पे लिखने के लिए कहा, और लोगों ने लिखा कि मैं खर्रा खाता हूं, मैं कोई दारू पीने वाला दारू पीता हूँ, कोई बोलता है कि मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं पॉजिटिव नहीं सोच पाता हूँ, मैं बुक रीडिंग नहीं करता हूँ, और ये सब चीजें करता तो मैं सक्सेस होता। तो खुद आदमी को
समझ में आ रहा है कि मेरे जीवन में असफल बनने के लिए मुझे कौन रोक रहा है, क्या गलती हो रही है, कि खुद आदमी को समझ में आ रहा है लेकिन वो उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। रीजन, अपनी आदतों को चेंज करना। रीजन, अपनी आदतों को चेंज करना, बस इतना ही है। जितना अपनी आदतों को आप चेंज करेंगे उतना आगे बढ़ोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है आदतों को चेंज करने से पहले आपका पॉजिटिव विचार करना। जितना पॉजिटिव विचार आप करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। जितना पॉजिटिव विचार करोगे हर बात में, मैं बड़े सारे लोगों के बात में देखता हूँ कि अगर किसी ने कुछ किया, अरे होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो तो अच्छा ही आदमी नहीं है, अरे ये अच्छा नहीं है, सर ऐसा होता है क्या? सबसे पहले हर बात में निगेटिव विचार हमारे माइंड में। और निगेटिव विचार कहाँ से आते हैं? इन्वायरमेंट से। हमें ऐसे चीजों को अवॉइड करना है जो अच्छी चीजें नहीं है, जैसे मोबाइल पे ज्यादा मैसेज या वो सब देखते बैठना, उससे आपका माइंड भ्रमित होता है। हमें वो चीजें करनी चाहिए जो हमें अपने माइंड को चेतना देती है, अपने कामों के ऊपर फोकस करवाती है। पहले के लोग देखे ना, अपने कामों के ऊपर फोकस करते थे, उनके पास इतना सब नहीं था, जितना अच्छा है उतना बुरा है मोबाइल, जितना अच्छा है उतना बुरा है, आप इसको जितना साइड में रखोगे, जितना अपने काम के ऊपर, जितना पेपर लोगे पेपर के ऊपर लिखोगे वर्कआउट की मुझे आज ये करना है, मुझे आज मेरी ये मेहनत है, मुझे मेरे काम ये करने हैं, मेरे फैमिली को समय देना है, मुझे जो करना है आप पेपर पे लिखे, वो और आपका सच्चा माइंड है। बुक रीडिंग बहुत ही पावरफुल है। जो आप सोचेंगे वो आपके जीवन में घटित होगा। उस तरीके से सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि ये मैं कर रहा हूं, ये हो रहा है, बस। भगवान बोलता है तथास्तु, ये हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से आप जरूर प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए ये मेडिटेशन सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आने का रोज, क्योंकि इस मेडिटेशन सेशन से हम जिनके भी जीवन में परिवर्तन कर सके हम करने का कोशिश करेंगे। हम जीवन में लोगों के परिवर्तन, उसके विचारों में परिवर्तन जितना हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति को भी फायदा होता है हमारे बातों से या हमारे मेडिटेशन से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल है, सभी लोग आप डेली मेडिटेशन करें। मैं सूर्य कुमार यादव की जर्नी मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हूँ। अब देखिए, सूर्य कुमार यादव बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहे, जब धोनी क्रिकेट खेल रहा था तब खेल रहे थे, उससे पहले जब उनके साथ बुमराह खेल रहे थे, प्रवीण कुमार खेल रहे थे, जो पुराने चेतेश्वर पुजारा, ये सब पुराने प्लेयर्स है, जब उनके साथ केआर राहुल पुराने प्लेयर है, हार्दिक पांड्या पुराने प्लेयर है, ये जब खेल रहे थे क्रिकेट, तब सूर्य कुमार यादव भी क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन 2010 से जब इंटरनेशनल में उन्होंने कदम रखा, 2010 से 2022 तक, मतलब टोटल 11-12 साल उनको मौका ही नहीं मिला इंटरनेशनल खेलने का। वो भी उनके साथ खेलते थे लेकिन क्या कमी थी, उम्र के 31 साल में उनको खेलने का मौका मिला। और उन्होंने उसके लिए बताया, मैंने 2020 में, सिर्फ 2 सालों में मेडिटेशन का फर्क कितना हुआ दिखे, 2020 में उन्होंने एक मेडिटेशन कोच पकड़ा, एक न्यूट्रिशन पकड़ा, और उनके फील्ड के लिए काम, टेक्निक के लिए एक बैटिंग कोच पकड़ा। अपने फील्ड के लिए तो हमको करना ही करना है, लेकिन अपने खुद के लिए क्या करना है। तो जब मेडिटेशन किया तो वो पहले गुस्सा बहुत करते थे, उसका नियंत्रण किया, उसके बाद उनके लोगों के साथ व्यवहार अच्छे नहीं थे, उसके ऊपर उनका नियंत्रण हुआ, उसके बाद उनका हेल्थ के ऊपर नियंत्रण नहीं था, वेट बहुत ज्यादा था तो वेट के ऊपर ध्यान दिया, उसके बाद उन्होंने बैटिंग लाइनअप पे ध्यान दिया।
मेडिटेशन शुरुआती में करते थे उनको अजीब लगता था, लेकिन धीरे 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 एक दिन में 3-4 बार वो करने लगे, और उसका रिजल्ट है कि वो आज के सबसे ज्यादा 360 बैट्समैन जिसको बोलते हैं, 200 से अधिक स्ट्राइक रेट, इंडिया का नया एबी डिविलियर्स अगर कोई है, सूर्य कुमार यादव है, इतनी उपलब्धियां सिर्फ एक साल में 2022-20 को जब इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला, और ये 2-3 सालों के अंदर वो करके दिखाया जो 10 सालों में लोगों ने नहीं किया। तो मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, आपका माइंड एकत्रित करता है, आप इसको एक दिन में 2 दिन में करने से नहीं होता है, निरंतर करने से होता है। जितना रेगुलर करेंगे, जितना रेगुलर उसके ऊपर आप काम करेंगे, बहुत पावरफुल है। जब मैं पुराने कंपनी में था तो मैं मेडिटेशन बहुत ज्यादा करता था, लोग मेरे जो रूम वाले लोग थे, पार्टनर थे, मैं जब मेडिटेशन के लिए रायपुर के लिए क्लासेस के लिए जाता था, रायपुर दिल्ली के लिए जब हमारे क्लासेस होते थे, वहाँ पे एक मैम थी, वो क्लासेस लेते थे, थोड़ा सा उनका उनकी एजुकेशन के स्वरूप था लेकिन मेडिटेशन था। तब मैं वो क्लासेस करके आता था तो मेरे टीम के जितने भी सदस्य, मेरे पास 2 रूममेट रहते थे मेरे साथ, वो बोले कि मतलब मैं गुस्सा बहुत करता था छोटी छोटी चीजों के ऊपर, जैसे मेरे मन मुताबिक जो चीजें नहीं होती थी मैं उसके ऊपर गुस्सा करता था उन लोगों को, टीम को भी, कि ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये सही नहीं है, वो सही नहीं। और जब मैं मेडिटेशन करके आता था तो जब मैं आ जाता था रूम में, सामान रखता था, फिर मैं नॉर्मल अपने काम करता था, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, लोगों से क्या हुआ, कैसे काम कर रहा है टीम, कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है, वर्क बातचीत होता था। जब मेरा बातचीत हो रहा था, ये सब हो रहा था, तो फिर पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन वो लोग बोलते हैं, सर मैं ये कल ही बात आपको बोलने वाला था, जब भी आप मेडिटेशन से आते हो, मैं 3-8 दिन के लिए मेडिटेशन के लिए जाता था क्लासेस के लिए, तो सर बोले आपके अंदर अलग ही एनर्जी दिखती है, आपके विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है, और मेन बात है आप किसी भी बात के लिए गुस्सा नहीं करते। जैसे मैं आने से पहले उन्होंने रूम साफ सुफ करके रख दी थी, मुझे गंदगी पसंद नहीं थी, तो उन्होंने सब कुछ कर दिया था, अभी कुछ चीजें कम भी रहती है तो मैं क्या बोलता, ये कम क्यों है, और जो अच्छा है वो नहीं देखता था। तो मेडिटेशन करने के बाद मैं वो देखने लगा कि जो अच्छा है, कमजोरियां नहीं, तो इतना पावरफुल है। और वो बोलते थे सर आप में परिवर्तन ही हो जाता है, फिर 8-15 दिन वही माहौल में रहने के बाद वैसे इंसान बन जाता है, क्योंकि अपने मेडिटेशन की जो रेगुलर स्किल है उसको हम नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंस है, आप अपने जर्नी को रेगुलर करें। अगर मान लीजिए हमारे 7 दिन वाला चैलेंज खत्म हो गया तो उसके बाद भी आप रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, और अपने आप को और डेवलप, राइट। तो बस मैं इसी के साथ आज की मीटिंग, आज की मेडिटेशन क्लास एंड करता हूँ। मेरा ज्यादा समय लेने का कोई पर्पज नहीं रहता है, मैं सोचता हूँ कि 30-20 मिनट में क्लियर हो, आपको रियल वैल्यू मिले, राइट, इस तरीके से। तो कल फिर से 6:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।